सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर हमने टॉपिक पढ़ लिया कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के प्रकार क्या होते हैं, और एक अदिश का सदिश से गुणा किस प्रकार करते हैं, और एक सदिश के घटक क्या होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका थ्री डायमेंशनल है, हाँ, तो ये आपकी है एक्स अक्ष और ये आपकी है वाई अक्ष और ये आपकी है जेड अक्ष, क्लियरली। और आपको पता है जेड अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो क्या होता है, के कैफ, और एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है उसको हम बोलते हैं आई कैफ, और वाई अक्ष की दिशा में होता है आपका जे कैफ, क्लियर है। आगे बात समझ में। अब देखिए ये जो आई जे और के है ये इन दिशाओं में एक्स वाई और जेड दिशाओं में क्या है, मात्रक सदिश है। आगे बात समझ में। अब देखिए मान लीजिए स्पेस के अंदर दो बिंदु है पी वन, इसके निर्देशांक क्या है एक्स वन वाई वन और जेड वन, और एक बिंदु है पी टू, इसके निर्देशांक है एक्स टू वाई टू और जेड टू। अपना क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो P1 और P2 को P1 वे P2 को मिलाने वाला सदिश, यानी कि इस तरह P1 P2 सदिश, ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका ओरिजिन है, क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, P1 का स्थिति सदिश क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, P1 का स्थिति सदिश, बिंदु P1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष, O क्या आपका ओरिजिन, क्या होगा OP1, क्या होगा OP1। तो ये OP1 किसके बराबर होगा, अब देखिए P1 के निर्देशांक क्या है, X1, Y1 और Z1, तो क्या हो जाएगा ये X1 I cap प्लस Y1 J cap प्लस Z1 K cap। आगे बात समझ। अब इसी प्रकार तो ये OP1 सदिश दिशा क्या होगी, ये होगी। आगे बात समझ। अब देखिए बिंदु जो P2 है इसका स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष, तो क्या होगा तो ये सदिश कौन सा भैया OP2। तो P2 का स्थिति सदिश वो भी O के सापेक्ष यानी मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाएगा OP2, और OP2 क्या हो जाएगा फिर बताना, X2 I cap प्लस Y2 J cap प्लस Z2 K cap। आगे बात समझ में, क्लियर। अब ध्यान से देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है P1 P2 सदिश, यानी दो बिंदुओं बिंदु P1 और P2 को मिलाने वाला सदिश P1 P2, जिसकी दिशा किस तरफ है, हम ले रहे हैं P1 P2, तो दिशा P1 से P2 की तरफ। आगे बात समझ। तो अब ये हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो अब हम ये ज्ञात करेंगे कौन सा त्रिभुज नियम लगाएंगे O P1 P2। आगे बात समझ। त्रिभुज O P1 P2 में, अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर ध्यान से देखना दो भुजाएं कौन सी ओ पी वन और पी वन पी टू। आगे बात समझ। ओ पी वन और पी वन पी टू क्रमशः एक ही दिशा में क्रमागत दो सदिशों कौन से ओ पी वन और पी वन पी टू से निरूपित है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में यानी ओ पी टू इस क्रम में क्या करेगी, इन दोनों के योगफल को निरूपित करेगी। आगे बात समझ। तो देखिए तो ओ पी वन प्लस P1 P2 ये किसके बराबर होगा O P2। आगे निवासन में एक ही क्रम में दो भुजाओं को निरूपित कर रहा है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के योगफल को निरूपित करेगी, तो तीसरी भुजा O P2 यानी सदिश O P2 किसको निरूपित करेगा O P1 सदिश प्लस P1 P2 सदिश। आगे बात। अब ध्यान से देखना हमें ज्ञात क्या करना है, P1 P2 ज्ञात करना है, तो यहां से सदिश P1 P2 ये किसके बराबर हो जाएगा OP2 माइनस OP1 सदिश।
आगे बात समझ। तो यहां से देख लीजिए पी वन पी टू सदिश किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी टू क्या है ये रहा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। अब घटाना क्या है इसमें से, ओ पी वन सदिश ये रहा क्या है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। अब देखिए तो यहां से पी वन पी टू सदिश क्या आ जाएगा, देखिए आई कैप क्या आ रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन क्या आ रहा है आई कैप प्लस वाई टू जे कैप वाई वन जे कैप, तो ये माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस क्या हो जाएगा जेड टू माइनस जेड वन के कैप। आ गई बात समझ में, क्लियर है तो ध्यान से देखना। अब आपको सिंपली कैसे निकालना है, देखिए आप P1 P2 सदिश निकाल रहे हो, ये तो हमने पूरा प्रोसेस से निकाल लिया P1 P2 सदिश, तो आप निकालोगे कैसे के P2 का निर्देशांक माइनस P1 का निर्देशांक, तो P2 का x निर्देशांक माइनस P1 का x निर्देशांक इंटू आई कैप। देखिए x2 क्या है P2 का x निर्देशांक और x1 क्या है P1 का x निर्देशांक, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। आगे बात समझ में, तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस फिर p2 का y निर्देशांक y2 माइनस p1 का y निर्देशांक y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब ध्यान से देखना, अगर आपको पूछ ले p2 p1 निकालना, आपको क्या निकालना है p2 p1। आगे बात समझ, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है p2, अंतिम बिंदु कौन सा है P1, तो आपको करना क्या है P1 के निर्देशांक माइनस P2 के निर्देशांक, क्या करना है P1 के निर्देशांक माइनस P2 के निर्देशांक, यानी फिर ये क्या हो जाएगा X1 माइनस X2 I के प्लस Y1 माइनस Y2 J के प्लस Z1 माइनस Z2 K के। ये चीज ध्यान रखना आप। आगे बात समझ, अब यदि हम ज्ञात कर रहे हैं P1 P2 तो हम क्या करेंगे अंतिम बिंदु, यानी कि ये सदिश क्या है P1 P2, तो प्रारंभिक बिंदु P1 अंतिम बिंदु P2, तो अंतिम बिंदु के निर्देशांक माइनस जो प्रारंभिक बिंदु है इसके निर्देशांक। आगे बात, अब x निर्देशांक के साथ में क्या लगेगा आई कैप, क्योंकि x अक्ष की दिशा में जो आपका मात्रक सदिश होता है वो क्या होता है आई कैप, और y अक्ष की दिशा में j कैप और z अक्ष की दिशा में k कैप। तो ये आपको इस प्रकार निकालना है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। आगे ने बात समझ में क्लियरली, तो ये होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है अपना वो है खंड सूत्र। खंड सूत्र क्लियर है, अब ध्यान से देखना कैसे कि मान लीजिए कोई दो सदिश है जिनका ओरिजन यानी कि प्रारंभिक बिंदु सेम है, यानी ओ से ये मान लीजिए सदिश है आपका ए, इसको बिंदु दे दीजिए पी। आगे बात समझ, यानी कि सदिश ओ पी बराबर क्या है ए से निरूपित है, इसकी दिशा इस तरफ। आगे बात समझ, और ये है सदिश आपका ओ क्यू जिसको हम बी से निरूपित कर रहे हैं। आगे ने बात समझ, इसकी दिशा ओ क्यू सदिश क्या है आपका बी। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं को यानी कि पी और क्यू को मिलाने वाला, यानी कि पी और क्यू को हमने मिला दिया। अब एक बिंदु कहां पर स्थित है, पी क्यू पर स्थित है मान लीजिए आर, ये आर जो कि आर बिंदु पी और क्यू को, पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड या पी क्यू सदिश को किस अनुपात में m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु r का स्थिति सदिश ओ आर मान लीजिए क्या है r, ये आपको ज्ञात करना है। आगे बात में, ये तो कौन सा हो गया अंतः विभाजन, कौन सा हो गया जब r PQ को अंतः विभाजित कर रहा है m अनुपात n में,
और दूसरा है आपका पी क्यू ओ, और दूसरा है कि R जब इसको बाह्य विभाजन करे, खंड सूत्र हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, तो वही चीज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन सा आ गया, अब वेक्टर आ गया, क्या आ गया, वेक्टर आ गया। तो OQ क्या है आपका B, OA क्या आपका A, क्लियर है ये बिंदु, और ये हो गया सदिश, OR क्या आपका R। आगे बात में तो QR यानी कि किस अनुपात में N, और PR यानी कि M, ये क्या हो जाएगा M, ये क्या हो गया M अनुपात N में बाह्य विभाजन। तो आपको जो बिंदु R है इसका स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। आगे बात में तो अंत विभाजन, तो ध्यान से देखिए पी आर बट्टा आर क्यू, पी आर बट्टा आर क्यू, तो पी आर बट्टा आर क्यू, तो पी आर क्या है एम बट्टा आर क्यू एन, यानी किस अनुपात में, ये आर इस पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है, जो कि हमने लिख लिया। अब क्रॉस गुणा करवा दीजिए, तो एन इंटू पी आर बराबर एम इंटू आर क्यू। तो अब सदिश के रूप में ले तो n इंटू सदिश पी आर बराबर m इंटू सदिश आर क्यू। तो अब आपको सदिश पी आर ज्ञात करना है और सदिश आर क्यू, तो ध्यान से देखना ये p बिंदु है, ये r बिंदु है। आगे बात समझ में, p का स्थिति सदिश a, r का स्थिति सदिश क्या है स्मॉल r, इसको हमने स्मॉल r सदिश से हमने ले लिया। अब देखिए वही बात कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, जब आप पी आर ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, आर का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, तो ये सदिश पी आर क्या हो जाएगा, आर का स्थिति सदिश क्या है आर, माइनस पी का स्थिति सदिश क्या है ए। हमने ज्ञात किया था ना दो बिंदुओं को मिलाना, पी का स्थिति सदिश, आर का स्थिति सदिश, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, वो तो उस फॉर्म में दिया हुआ के घटकों के रूप में दिया हुआ था। अगर सीधा ये दे दिया कि सदिश आर है, ये R कुछ ना कुछ होगा, जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो X2 माइनस X1 वही रूप है यहाँ पे। आगे बात में तो R का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, कैसे हम पी आर ज्ञात करें, तो अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश क्या है R, प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश क्या है A। आगे बात में तो ये जो पी आर होगा ये क्या हो जाएगा आर माइनस सदिश आर माइनस सदिश ए। अब m इंटू, अब आपको ज्ञात क्या करना है आर क्यू, यानी ये सदिश आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आर क्यू। तो वही बात है q का स्थिति सदिश माइनस r का स्थिति सदिश, क्योंकि आर क्यू में प्रारंभिक बिंदु r है अंतिम बिंदु q है, तो q का स्थिति सदिश क्या हो गया b माइनस r का स्थिति सदिश क्या है r, तो क्या हो जाएगा ये b माइनस r। आगे बात सुन, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना था R का स्थिति सदिश R, यानी यहां से हमको R ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना N सदिश R माइनस N सदिश A बराबर M सदिश B माइनस M सदिश R, तो इस माइनस वाले को मैं इधर भेज दूं, इस माइनस वाले को मैं उधर भेज दूं, तो N सदिश R प्लस M सदिश R बराबर ये इधर आके प्लस का हो जाएगा N सदिश A प्लस एम सदिश बी, तो यहां से आर आ रहा है कॉमन, सदिश आर क्या बचेगा एम प्लस एन, और बराबर यहां पे क्या हो जाएगा ये एम सदिश बी प्लस एन सदिश ए, तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा आप लिख लीजिए एम सदिश बी प्लस एन सदिश ए बट्टा एम प्लस एन, तो ये आ गया किसका स्थिति सदिश आर का स्थिति सदिश। आगे बात समझे, तो जब अंतः विभाजन होगा तो सदिश R बराबर क्या होगा M सदिश B प्लस N सदिश A बट्टा M प्लस N। आगे बात समझ में, तो ये है आपका अंतः विभाजन। क्लियर, तो ये R जो कि क्या है आपका R का स्थिति सदिश, यानी कि OR आपको ज्ञात करना है, तो OR। आगे बात समझ, अब बात करते हैं किसकी बाह्य विभाजन की, तो बाह्य विभाजन के लिए ये वाला चित्र था,
तो इसको मिटा देते हैं। बाह्य विभाजन, तो पी आर बट्टा क्यू आर, वही बात है, बाह्य विभाजन कर रहा ना, तो पी आर बट्टा क्यू आर किस अनुपात में, पी आर एम बट्टा क्यू आर एन, यानी कि ये पी क्यू को एम अनुपात एन में बाह्य विभाजित कर रहा है। आगे बात में फिर वही क्रॉस गुणा एन इंटू पी आर बराबर एम इंटू क्यू आर, सदिश के रूप में एन सदिश पी आर बराबर एम सदिश क्यू आर। अब बात करते हैं पी आर सदिश पी आर, प्रारंभिक बिंदु पी अंतिम बिंदु आर, तो आर का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश, तो एन पी आर, आर का स्थिति सदिश क्या है आर माइनस पी का स्थिति सदिश क्या है ए, ये लिख दिया बराबर एम क्यू आर, तो आर का स्थिति सदिश आर माइनस क्यू का स्थिति सदिश बी। आगे बात सुन, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एन सदिश आर माइनस एन सदिश ए बराबर एम सदिश आर माइनस एम सदिश बी। आगे बात समझ में, अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, आगे बात समझ में, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो एम सदिश बी माइनस एन सदिश ए बराबर, इसको इधर भेजा तो ये इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो एम सदिश आर माइनस एन सदिश आर, क्लियर। तो यहां से देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सदिश आर कॉमन आ रहा है, सदिश आर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा एम माइनस एन, और इधर क्या है एम बी माइनस एन ए, तो यहां से सदिश आर बराबर क्या आ जाएगा एम सदिश बी माइनस एन सदिश ए बट्टा एम माइनस ए। आगे बात सुनने, जो कि क्या है सॉरी जो कि क्या है आपका ओ आर बिंदु आर, यानी कि जो कि विभाजित कर रहा है पी क्यू को, उसका स्थिति सदिश, क्लियर है। आगे बात समझ में, तो ये आ गया बाह्य विभाजन, सेम टू सेम जो हम रेखाखंड का विभाजन करते थे ना दसवीं क्लास में अपना जो चैप्टर था, तो उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे ये केवल क्या है वेक्टर के रूप में है। आगे बात, तो वेक्टर में ये क्या हो जाएंगे आपके वेक्टर आएंगे यहाँ पे ए बी, और जो आपका आर है उसका स्थिति सदिश आर। आगे बात समझे, तो ये हो गया आपका बाह्य विभाजन। अब बात करते हैं अगर पी और क्यू दो बिंदु है, पी का स्थिति सदिश ए है, क्यू का स्थिति सदिश बी है, तो एक बिंदु आर जो कि पी क्यू को मध्य, पी क्यू को मध्य में यानी कि वन अनुपात वन में विभाजित करता है, कहने का मतलब ये पी क्यू के मध्य बिंदु आर का स्थिति सदिश। तो देखिए अंत विभाजन का सूत्र क्या था, आर बराबर क्या था एम बी प्लस एन ए बट्टा एम प्लस एन। अब हमने क्या किया कि ये जो आर है ये पी क्यू को वन अनुपात वन में, यानी पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो वन अनुपात वन में विभाजित करेगा, तो यहां से मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा वन 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 वन, यानी कि ए प्लस बी बट्टा दो, ये हो गया मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो कोई दो बिंदु है, कहने का मतलब ये कोई दो बिंदु जैसे पी और क्यू, पी का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष ए, क्यू का स्थिति सदिश बी। आगे बात सुनने, तो पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु आर का स्थिति सदिश ओ आर, जो कि आर से निरूपित है, वो क्या होगा पी का स्थिति सदिश प्लस क्यू का स्थिति सदिश बट्टा दो, ये हो गया आपका खंड सूत्र, क्या हो गया ये खंड सूत्र। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब करते हैं हम प्रश्नावली 13.1। चलिए तो प्रश्नमाला निकाल लीजिए 13.1, इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का प्रकलन कीजिए। सदिशों के परिमाण प्रकलन कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो पहला एक सदिश दे रखा है आपको, सदिश ए दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के कैप। आगे बात समझ में, इसका आपको परिमाण ज्ञात करना है यानी कि सदिश ए का परिमाण। तो क्या होता है रूट ऑफ, तो कोई भी सदिश ए है मान लीजिए जो इस फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस सदिश ए का जो परिमाण होता है वो क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक बिंदु पी है तो ओ पी, ये हमने कहा था कि सदिश ओ पी कोई बिंदु पी तो ओ पी सदिश इस प्रकार है, तो इसका सदिश का परिमाण क्या होता है ये होता है। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना इसकी और इस सदिश की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे x क्या है 1, y क्या है 1 और z क्या है 1। आगे बात समझ में, तो यानी आई कैप के गुणा का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणा का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणा का स्क्वायर और रूट, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सदिश ए का जो परिमाण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3। आगे बात समझ, तो सदिश ए का परिमाण क्या आ गया रूट 3। आगे बात समझ, इसी प्रकार एक और सदिश देर का है, सदिश बी देर का देख लीजिए 2i-7j-3k। आगे बात समझ, तो वही इस सदिश बी का परिमाण क्या हो जाएगा रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर आई कैप के गुणा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस इसका गुणा क्या है -7 का स्क्वायर प्लस इसका गुणा क्या है -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से सदिश B का जो परिमाण आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर 7×7=50 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो क्या हो जाएगा सदिश B का परिमाण रूट ऑफ 58×4=62 कितना आ जाएगा रूट ऑफ 62। आ गई बात समझ में, तो ये आ गया इसका परिमाण। एक और सदिश देर का है सदिश सी, सदिश सी क्या है आपका 1/√3i-1/√3j-1/√3k। आगे बात समझ में, तो इसका परिमाण तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा आई कैफ का गुणांक जो ये x को निरूपित कर रहा है ये y को, ये क्या है इसके अदिश घटक है 1/√3 और -1/√3 क्या इसके अदिश घटक है सदिश c के अदिश घटक, और 1/√3 i कैप ये क्या हो गया x अक्ष की दिशा में सदिश घटक, 1/√3 j कैप ये क्या हो गया y अक्ष की दिशा में सदिश घटक, -1/√3 k कैप ये हो गया जेड एक्स, और ये कौन सी दिशा कौन सी है जेड ये होती है ऊपर की तरफ लेकिन ये माइनस है यानी ये नीचे की तरफ यानी कि इस तरफ नेगेटिव फॉर्म। आगे बात समझ में क्लियर है, तो यहां सब देख लीजिए, तो इसका गुणांक 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस -1/√3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा रूट ऑफ 1/3 + 1/3 + 1/3 रूट ऑफ 3 लेस अप आ गया ऊपर 1+1+1 तो क्या आ गया 1, तो इसका परिमाण क्या आ गया 1। आ गई बात समझ में, तो ये हो गया आपके तीनों के परिमाण। क्लियर है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए तो अगला देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आप कोई भी दो सदिश लिख लीजिए जिनका परिमाण क्या है समान, आपको ही करना है। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है। तो 13.1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट है, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।